जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन, और वकील भी चुप हो गया तो बोलेगा कौन? जिन देशों ने ईवीएम को बनाया है उन वो देश भी मानते हैं कि इसके अंदर जो है टैम्परिंग हो सकती है और टैम्परिंग हो रही है। देखिए, हम चुनाव आयोग के सवालों से संतुष्ट नहीं हैं, हम उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हैं, हम चुनाव आयोग से संतुष्ट नहीं हैं कि चुनाव आयोग अगर इस बात को कहता है ईवीएम हैक नहीं की जा सकती, तो मैं चैलेंज करता हूं पूरे चुनाव आयोग को कि हम ईवीएम को हैक करवा के दिखा सकते हैं। और ऐसा एक नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल है जहां पर ये निकल के आ चुका है कि ईवीएम के अंदर टैम्परिंग जो हो सकती है, कि आंदोलन सक्सेसफुल होगा, परंतु विपक्ष की जो मूक सहमति है, क्योंकि विपक्ष को लगता है आज हम और कल आप, वो कोई थर्ड फ्रंट जो है बात में लीड ना कर पाए। ईवीएम के विरोध में हम चुनाव आयोग तक पहुंचे और हमारा पूरा आज जोर इसी बात पर रहेगा कि किसी भी प्रकार से हम संविधान को बचाने के लिए और ईवीएम को हटाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम किसी भी प्रकार से जो है हम चुनाव आयोग पहुंचे आज। और अगर हमें चुनाव आयोग चाहे ये कितना ही जोर लगा ले, आज जो है हम चुनाव आयोग तक पहुंचे। देखिए, चुनाव आयोग चाहे मशीनों की बात करे या किसी की भी करे, इस लोकतांत्रिक देश में हमारा अधिकार है कि हम अपनी बात उन गूंगे भैरों तक पहुंचा पाए। जो कमीशन कह रहे हैं अगर आप ईवीएम पे सवाल उठाएंगे हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन, और वकील भी चुप हो गया तो बोलेगा कौन? और आज ये सभी एडवोकेट इस बात के लिए तैयार हैं कि आज ईवीएम के विरोध जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई बढ़ कर रहेगी और उस लड़ाई को हम आगे बढ़ा कर रहेंगे। और चुनाव आयोग अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, पहले आपको यही तो डिटेन किया गया था। नहीं, हमें चाहे डिटेन वो यहाँ से करे या पार्लियामेंट से करे, मैं आपको बता दूं कि हम तैयार हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। अगर यहाँ पर लड़ाई, यहाँ सिर्फ ये नहीं कि हम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ेंगे, बल्कि सड़कों पे भी हम लड़ाई लड़ेंगे। और चाहे ईवीएम हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी के लोग हो, हम उनसे डरने वाले नहीं है। देखिए, पुलिस का डंडा जो है वो वकीलों की कलम से ज्यादा ताकत नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं की जा सकती। देखिए, चुनाव आयोग का ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है, दुनिया के मोस्ट टेक्निकल पर्सन ने ये माना है कि इसके अंदर जो है टैम्परिंग हो सकती है। न्यायपालिका खामोश नहीं है, हम भी न्यायपालिका का ही पार्ट है और हमारी जो लड़ाई है वो ईवीएम को हटाने के लिए है बिल्कुल। और हम जब तक इस आंदोलन को लड़ते रहेंगे और जब तक हम इस आंदोलन में आगे बढ़ते रहेंगे, जब तक कि चुनाव आयोग, माननीय उच्चतम न्यायालय या जितनी भी एजेंसियां हैं वो सारी की सारी एजेंसियां जो है ईवीएम को नहीं हटा। सवाल उठता है कि वकील रोड पे उतरे हैं लेकिन विपक्ष का कोई भी नेता। देखिए, विपक्ष इसलिए सड़क पर नहीं है क्योंकि विपक्ष जो है उन्हीं के सत्ता पक्ष का है। इस वक्त जब देश को, इस दुनिया को, इस भारत को जरूरत है लोकतंत्र को हटाने की, ईवीएम को हटाने के लिए, विपक्ष की जो खामोशी है वो कहीं ना कहीं इस बात को बताती है कि शेर का भाई बघेरा एक कुदन और दूसरा तेरा, और विपक्ष भी इसमें शामिल है क्योंकि विपक्ष जो है राष्ट्रीय आंदोलन ईवीएम के खिलाफ नहीं खड़ा कर पाया है। तो कहीं ना कहीं आप यह देखिए कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो ईवीएम के खिलाफ दिल्ली के हर कोने में हो रही है, परंतु ना विपक्ष भी खामोश है और चुनाव आयोग भी खामोश तो कर रहा है। विपक्ष ट्वीट तो लगाता है। देखिए, विपक्ष का ट्वीट से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस लड़ाई का एग्जीक्यूशन किया जाए। हमें ट्वीट से ज्यादा लोगों को जागरूक करना होगा, हमें जो है चुनाव आयोग के खिलाफ बोलना पड़ेगा, हमें जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का स्वागत करना पड़ेगा, हमें जो है जो ईवीएम में टैम्परिंग हो रही है उस टैम्परिंग के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और देखिए, सुनिए, ये कोई भी चुनाव आयोग कोई टेक्निकल पर्सन नहीं है और ना ही चुनाव आयोग इस बात की गारंटी दे रहा है कि इसमें टैम्परिंग नहीं हो सकती, जबकि पूरी दुनिया ये मानती है, जिन देशों ने ईवीएम को बनाया है उन वो देश भी मानते हैं कि इसके अंदर जो है टैम्परिंग हो सकती है और टैम्परिंग हो रही है। आप यह देखिए कि तथ्यों के आधार पर, टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट भी यह मान चुका है और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बात आ चुकी है, जिन देशों ने ईवीएम को बनाया था वो देश ही आज ईवीएम का बहिष्कार कर रहे हैं। आगे क्या रहेगा? देखिए, हमारा जो आज आंदोलन है अभी यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक है, क्योंकि पिछली बार हमें डिटेन कर लिया गया था और डिटेन करने का रीजन था कि हम अपनी आवाज जो है नहीं उठा सकते। परंतु मैं बता दूं कि जो एडवोकेट, जिनका फर्ज जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कोर्ट्स के अंदर लड़ने का है, जरूरत पड़ेगी तो वो सड़कों पर भी आएंगे। लोकतंत्र की हत्या हम नहीं होने देंगे। लेकिन आप
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाएंगे? देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक हम ना पहुंचे, हमें हमारी जो आवाज है हम उन कानों तक पहुंचा देंगे जो कान जिन कानों को सत्ता के अलावा किसी की आवाज जो है सुनाई नहीं देती। देखिए, हम चुनाव आयोग के सवालों से संतुष्ट नहीं हैं, हम उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हैं, हम चुनाव आयोग से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि चाहे बैलेट पेपर का मामला हो, चाहे ईवीएम का मामला हो, नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हैक नहीं किया जा सकता। मैं बता दूं आपको एक बात कि चुनाव आयोग अगर इस बात को कहता है ईवीएम हैक नहीं की जा सकती, तो मैं चैलेंज करता हूं पूरे चुनाव आयोग को कि हम ईवीएम को हैक करवा के दिखा सकते हैं। और ऐसा एक नहीं, सैकड़ों एग्जांपल है जहां पर ये निकल के आ चुका है कि ईवीएम के अंदर टैम्परिंग जो हो सकती है। तो सर क्या लग रहा है कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, नजदीक चुनाव आ रहा है, लेकिन उससे पहले आप लोग ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस पर चुप्पी साधे हुआ है। देखिए, विपक्ष की कहीं ना कहीं जो साइलेंट कंसेंट है इस मामले के अंदर, विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे को ना उठाया जाए, क्योंकि विपक्ष अगर लोकतांत्रिक तरीके से पूरे भारत के अंदर का आंदोलन करे तो आप ये मानिए कि आंदोलन सक्सेसफुल होगा, परंतु विपक्ष की जो मूक सहमति है, क्योंकि विपक्ष को लगता है आज हम और कल आप और कोई थर्ड फ्रंट जो है भारत में लीड ना कर पाए। देखिए, सड़कों पर लोग कम है, नहीं लोग नहीं है, वकीलों का एक प्रोटेस्ट है। जब लोगों को बुलाया जाएगा तो आप ये मानिए कि सड़कों पर लोग भी आएंगे, एडवोकेट्स भी आएंगे, और सभी वो लोग जो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं वो सभी लोग आएंगे। क्या लग रहा है, आप लोग जितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे अच्छा तो ये है ना कि आप सुप्रीम कोर्ट को वो वीडियो दिखा दीजिए जिसको लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको ये बात बताई है कि हमारी जो आवाज है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उठेगी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी उठेगी, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी लड़ाई जारी है, सड़कों पर भी जारी है, क्योंकि ये सवाल केवल ईवीएम का नहीं बल्कि लोकतंत्र बचाने का है।